गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, जिसका अर्थ है कि योग से कर्मों में कुशलता आती है। भारतीय धर्म और दर्शन में योग का अत्यधिक महत्व है। आध्यात्मिक उन्नति या शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग की आवश्यकता व महत्व को प्रायः सभी दर्शनों एवं भारतीय धार्मिक संप्रदायों ने एक मत व मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि योग करने से आप अपने मन को परम शक्ति से जोड़ते हैं। योग आप में अनुशासन, धीरता आदि का विकास करता है। आधुनिक व्यथित चित्त या मन अपने केंद्र से भटक गया है, उसके अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होने से संतुलन नहीं रहा है। अधिकतर अति बहिर्मुखी जीवन जीने में ही आनंद लेते हैं, जिसका परिणाम संबंधों में तनाव और अव्यवस्थित जीवनचर्या के रूप में सामने आता है। दरअसल योग भविष्य का धर्म और विज्ञान है। भविष्य में योग का महत्व बढ़ेगा। यौगिक क्रियाओं से वह सब कुछ बदला जा सकता है जो हमें प्रकृति ने दिया है, और वह सब कुछ पाया जा सकता है जो हमें प्रकृति ने नहीं दिया है। आज हम आपको एक पदहस्त उत्थित अंजनेयासन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बेहद लाभदायक है। एक पदहस्त उत्थित अंजनेयासन करने के लिए कोई भी मैट, दरी या कंबल बिछा लें और उस पर वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब एक पैर को इस तरह से आगे ले जाएं, पीछे वाले पैर के टखने को इस तरह अच्छी तरह से पकड़ लें। अब श्वास लेते हुए जिधर का पैर आगे है उसी तरफ का हाथ उठाते जाएं, दृष्टि ऊपर हाथ की ओर ले जाएं। साथ ही पीछे के पैर के टखनों को भी नितंब की ओर लाने का प्रयास करें। पैर, पेट, छाती, कंधों, पीठ, हाथ सब में तनाव निर्मित होगा। कुछ देर इस स्थिति में रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करें। दोनों पैर से एक एक बार कर लेने को एक चक्र माने। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 से 6 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2 चक्र करना पर्याप्त होगा। एक पदहस्त उत्थित अंजनेयासन करने के लिए जिन्हें ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहां रखें। एक पदहस्त उत्थित अंजनेयासन एक उच्च स्तरीय योगासन है और इस आसन से कई स्वास्थ्य वर्धक लाभ मिलते हैं। यह अंजनेयासन का ही एक विकसित प्रकार है। यह एक ऐसा आसन है जिसे करने पर संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। शरीर की मूल मांसपेशियों में लचीलापन आता है और साथ ही उनकी मजबूती भी बढ़ती है, जिससे शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। नियमित रूप से इस योगासन का अभ्यास करने से संतुलन संबंधी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। इससे पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और पेट के अंग उत्तेजित होकर सक्रिय रूप से काम करने लगते हैं। अंजनेयासन पाचन क्रिया को तेज करने में भी मदद करता है। यदि नियमित रूप से अंजनेयासन का अभ्यास किया जाए तो उससे रक्त परिसंचरण क्रिया में सुधार होता है और शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों को पर्याप्त रक्त आपूर्ति मिल जाती है। शरीर के सभी आंतरिक अंगों को भी स्वस्थ व पुष्ट बनाने वाला यह आसन है। अंजनेयासन शरीर को स्ट्रेच प्रदान करने वाला विशेष योगासन माना जाता रहा है। इस योगासन से कूल्हों समेत शरीर की कई महत्वपूर्ण मांसपेशियों को लचीला बनाया जा सकता है। प्रत्येक अंग की चर्बी समाप्त होती है तथा पेट सुडौल बनता है, कमर लचीली व सुडौल बनती है तथा हृदय, फेफड़े और छाती सबल होते हैं। अंजनेयासन न सिर्फ शारीरिक संतुलन बनाए रखता है, इससे मानसिक स्थितियों में भी सुधार किया जाता है। नियमित रूप से अंजनेयासन का अभ्यास करने से मानसिक समस्याएं दूर होती हैं तथा ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। इस योगासन का पूरे शरीर की मांसपेशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार होता है और साइटिका की समस्या में राहत मिलती है। यह आसन शरीर की गर्मी कम करने और दिमाग को शांत रखने में भी सहायक है। इस आसन से एकाग्रता की क्षमता भी बढ़ती है और शारीरिक पोस्चर भी सुधरता है। यह योगासन शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में भी मदद करता है। इसके नियमित अभ्यास से आप सदा निरोग व युवा बने रह सकते हैं। एक पदहस्त उत्थित अंजनेयासन संस्कृत के शब्द हैं। अंजनेयासन, जिसका अर्थ अंजनी का पुत्र है। अंजनेयासन 2 संस्कृत शब्दों का मिश्रण है। अंजनेय अंजनी के पुत्र को इंगित करता है और आसन का अर्थ योग मुद्रा या शारीरिक स्थिति है।
एक पदहस्त से अभिप्राय एक पैर और एक हाथ से है, जबकि उत्थित का अर्थ उठी हुई चीज से है। चूंकि इस आसन में एक पैर व एक हाथ को उठाकर अंजनेयासन लगाया जाता है, इसलिए इसे एक पदहस्त उत्थित अंजनेयासन कहते हैं। अंजनी महावीर हनुमान की माता का नाम है, अतः भगवान हनुमान के नाम पर इस योग मुद्रा को नाम दिया गया है। अंग्रेजी में इसे क्रिसेंट लंज पोज, क्रिसेंट मून पोज व अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। एक पदहस्त उत्थित अंजनेयासन से प्रथम पांच चक्र, खास तौर पर अनाहत चक्र उत्तेजित होता है। यह शरीर को आंतरिक संतुलन और मजबूती प्रदान करता है। आसन के अभ्यास से अनाहत, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, विशुद्धि व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। जब इसका अभ्यास किया जाता है तो सारे चक्र संतुलित हो जाते हैं और हमारी प्रणाली को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से एक स्थिर संतुलित तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। एक पदहस्त उत्थित अंजनेयासन को करने के लिए न सिर्फ काफी ताकत चाहिए बल्कि ढेरों सावधानियां भी रखनी पड़ती है। घुटनों में दर्द होने पर अभ्यास करने से बचें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में भी इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च रक्तचाप या हृदय के गंभीर रोगी सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। पैर में कोई दिक्कत है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह आसन सही नहीं है। योगासन क्रिया के दौरान घुटने को तीव्रता के साथ नीचे ले जाने की कोशिश न करें। जिनकी पिछले एक वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो वे भी इसको करने से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में भी इस आसन को ना करें। योग मुद्रा बनाते समय किसी भी प्रकार की तकलीफ होने पर तुरंत मुद्रा को रोक देना चाहिए। योगासन के दौरान कोई भी क्रिया बलपूर्वक करने की कोशिश ना करें। योग करते समय सुरक्षित रहने के लिए इसका सही तरीके से अभ्यास किया जाना आवश्यक है। एक पदहस्त उत्थित अंजनेयासन को करने से सेहत को कई तरीकों से लाभ मिलता है, लेकिन इसके दौरान बरतने वाली सावधानियों को भी समझना चाहिए। अगर आप इस योगासन का अभ्यास पहली बार करने जा रहे हैं तो विशेषज्ञ या योग्य योग गुरु की निगरानी में ही इसका अभ्यास करें। तो यह था एक पदहस्त उत्थित अंजनेयासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।